तो बेबी का जो नेम है ना वो बेबी के बाबा ने रखा है भाई, उनकी पसंद है। जाने की खुशी अलग है थोड़ा थोड़ा। ऑपरेटिव है, बहुत प्यार देते हैं, बहुत लोग मिलते हैं यहाँ, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस। खाऊ लल्ला खाऊ लल्ला है ना। ये ले मम्मा, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है मेरा बेटा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। चलो भैया, अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यस ये सच है। तो भाई बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी अभी जो है ना वो आप लोगों को, पहले यार मैं मिठाई तो खिला दूं, मैं बातें कर रही हूँ बस, मिठाई मैंने आप लोगों को खिलाई कोई नहीं है। चलो आओ मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ। काश मैं आपको अपने पेशेंट से मिला सकती, ठीक है, लेकिन मैं अपने पेशेंट से आपको नहीं मिला सकती, पेशेंट की आवाज़ आ सकती है। एनी आप कैसी हैं, ठीक है? मेरे सारे देखने वाले आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आइए, अभी एनी के इन लॉज आए हुए थे माशाल्लाह से, अभी मिलकर गए हैं और बहुत ही मज़ा आया। ये सारी मिठाई शिठाई है, अब जल्दी से जिसको ये पसंद है वो ये खा लो, जिसको ये पसंद है ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, जो दिल करे खा लो। एंड ये बहुत ही प्यारा मिठाई है। हाँ जेंडर वाला बॉक्स है। अरे हाँ, मैंने तो जेंडर रिवील करा है ना, तो भाई इट्स अ बेबी बॉय माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत ही जल्द हम आपको नाम भी बताएंगे, जो भी नाम होगा। और बेबी के कान में अजान दे दी थी और जो है वो घुटी जो है वो पिला दी गई है बेबी को दादा ने। एंड बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रहा सब कुछ। एंड अब बस फ्री हो गए हम, अब थोड़ा सा खिदमत होगी एनी की, एंड ये चलेगा बस, ठीक है जी। सो बस बातचीत, इंसान लाइफ में क्या सोचता है और क्या हो जाता है, आई होप कि रोशनी अच्छी आ रही हो, क्या सोचता है और क्या हो जाता है। मैंने सोचा था ऐसे करना है वैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चलो अल्लाह ताला को जो मंजूर। और ना मुझे बहुत, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगी। पहले एक व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि माई सिस्टर यू नो शी इज़ प्रेगनेंट, तो फिर सेकेंड व्लॉग होगा उसका ये वाला वो वाला, बहुत सोचा। लेकिन अचानक से चीज़ें ऐसी हुई हैं ना कि बस पता ही नहीं चला। तो बस बहुत सारी दुआएं चाहिए मेरी बहन के लिए, अल्लाह ताला उसकी तबीयत वबीयत ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी जो है ना वो हमारा सो रहा है, अभी उसको जगाएंगे, उसको जो है वो फीड करवाएंगे। एंड यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एंड आप सब लोग के प्यार की मोहब्बत की हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस मम्मा को बोलो रोनी, ये वाला बच्चा आपको संभालना नहीं पड़ेगा, ये वाला बच्चा उरूज स्माइल संभालेगी। लाओ मेरी बात करो, ये लो उरूज से बात करो। लाओ हेलो, पापा अम्मी से बात कराएं, रो क्यों रही हैं? मैंने कहा अम्मी से बात कराएं, रो क्यों रही हैं? हाँ अम्मी रो रही हो, खुशी में रो रही हो क्या? दिल भर आया था ना देख के, माशाल्लाह माँ है, माँ तो माँ है जाहिर है। अब बोलो आप तैयार हो जाओ, अब आपके जो है ना वो तीन वो हो गए हैं क्या, नवासे, माशाल्लाह तीन नवासे हो गए खैर से। हाँ अम्मी क्या हुआ, यहाँ तो रोई नहीं अम्मी, तुम तो माँ रो रही हो घर जाके। मैं तो नहीं रो रही, मैं तो खुश हूँ, बकवास नहीं करूँ, मैं बहुत रोई हूँ। चल झूठ। हाँ जाहिर है अम्मी मैं भी बहुत रोई हूँ, लेकिन मैंने इसके सामने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया है खुद को, रोई तो मैं भी बहुत थी, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है ना अम्मी। हाँ जी ओके जी। सो दोनों बच्चों को जो है ना वो, दोनों बच्चों को कह रही हूँ, ऊपर हमने बेबी को और बेबी के माँ बाप को थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि चलो बातें कर लें 15-20 मिनट, हम लोग जरा थोड़ा सा एक ड्राइव लेकर आ जाएं, एक चक्कर लगा कर आ जाते हैं, तो बस उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। सो भाई हमने सोचा कि थोड़ी देर जो है ना वो ज़रा हम बच्चों के माँ बाप को थोड़ा छोड़ते हैं अकेले, आराम से वो लोग जो है वो इन्जॉय कर लेंगे बेबी के साथ, और हम लोग चलते हैं थोड़ा ड्राइव करते हैं, और काशिफ मेरे साथ है, लेट्स गो। जी रोज, आप बताओ आपको आज कैसा फील हो रहा है? यार मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल का थोड़ा सा दिन हमारा, आप लोगों ने पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो वो थोड़ा परेशानी वाला था, जिसमें बिल्कुल अर्जेंट अर्जेंट सारी चीज़ें हुई,
लेकिन अल्लाह ताला ने साथ खैरियत से सारी चीज़ें करवा दी। बहुत खुश हूँ, बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं और रिस्पॉन्स तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यू नो अभी एकदम बैटरी मेरी थोड़ी सी लो हुई हुई है क्योंकि हम दो दिन से जागे हुए हैं और टफ था, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ खैरियत से सारी चीज़ें करा दी। मैं पहली बार खाला बनी हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। काशी कह रहे हैं इतने हल्के बात क्यों कर रही हो, मैंने कहा थोड़ी तमीज़ आ गई है मुझे बेबी की वजह से। आप लोग की बहुत सारी दुआएं चाहिए मेरी बहन के लिए, एनी के लिए, ताकि वो रिकवर करे जल्द से जल्द। अल्लाह ताला उसके लिए हब में बेहतर करे, और जो होता है बेशक वो अच्छे के लिए होता है, तो आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और अभी हम लोग जो है ना वो बस थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे एंड देन उसके बाद फिर जाएंगे। सो मैंने सोचा व्लॉग का एंड यहीं बना लेती हूँ। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़। और जो भी न्यूली मॉम्स हैं उनसे मेरा ये है कि जो प्रेग्नेंट हैं, जो कि अभी डिलीवर करने जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी डॉक्टर से बात करें, उससे सब कुछ पूछें कि क्या क्या हो सकता है, तो ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों। ठीक है जी। सो बस यार बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना है आज का, बस छोटे छोटे क्लिप्स जितना मैं ले सकी, क्योंकि मैं ज़रा बेबी के साथ ज़्यादा बिजी हूँ और मुझसे नहीं बन रहा। वाकई एनी और सलना तुम दोनों ठीक कहती थी, जब मेरा टाइम था मैं कहती थी तुम लोगों ने मेरी वीडियोज़ और व्लॉग्स ज़्यादा नहीं बनाए। अब समझ में आया आपके हाथ पैर ऐसे कांप रहे होते हैं जब आपका अपना कोई ऑपरेशन थिएटर में होता है, आपके आपके यू नो मतलब आपके ऐसे क्या बोलूँ मैं, एकदम हवास खो जाते हैं। तो बहुत लंबी कर दी मैंने, खैर इसको शॉर्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, दुआओं में मेरी बहन, मेरी बहन के बेबी और हमारी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया और हर चीज़ का बहुत अजान हो गया बीच। ओके जी, सो मैं आपको डेट बता देती हूँ, मेरे ख्याल से 21 या 22 है आज, जून जुलाई अगस्त नहीं, पागल है क्या साली, बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में, नहीं जुलाई, मैं बिल्कुल सब कुछ भूल चुकी हूँ, बिल्कुल लॉस जो है वो हो गई थी। अभी मैं 3 दिन से हम सोए नहीं थे, 3 मतलब 2 दिन पूरे और एक उससे पहले का इमरजेंसी हुई, तो हम लोग बिल्कुल भी सोए नहीं थे। मैं बिल्कुल जो है ना वो हॉस्पिटल में ही थी बहन के साथ। तो आज मैं आई घर पर क्योंकि बॉडी ऐसी मेरी अकड़ गई थी, तो फिर उन लोगों ने बोला कि यार जाओ तुम, थोड़ा सा तुम्हें नीड है। मैं आ गई थी घर पर तकरीबन 2 बजे, मैं सोई हूँ 6-7 बजे मैं उठ गई हूँ, खाना वाना खाया, अभी 8:30 हो रहे हैं, भाई आया है लेने। अब जो है ना वो असल में सारा कुछ शुरू है क्योंकि आज जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करनी थी और सारा कुछ करना था, तो थोड़ी सी वो मैंने आज कर ली थी, थोड़ी सी वो मैंने कल कर ली थी, और जो शॉपिंग वगैरह सारा किया है मैंने उसका एक अलग व्लॉग आएगा, वो आप लोग देखोगे कहाँ से कैसी शॉपिंग की है। तो ये सीन है, वैसे थोड़ी सी शॉपिंग मैंने आपको बताया ना कि हमें जो है ना वो हमने कर ली थी, जेंडर रिवील नहीं था इस वजह से हमने जो ले सकते थे बेसिक चीज़ें ले ली थी, अब उसके बाद थोड़ी चीज़ें हमने अभी और ली हैं। शॉपिंग तो खैर चलती रहेगी, आप लोग को ये बताना था। अच्छा जी, सो मैं क्या शीशे में साफ नज़र आ रही हूँ, घर मेरा बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि घर पर कोई अभी हम जो है ना 2-3 दिन से नहीं है, तो अभी जाहिर सी बात है कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी फ़िलहाल ये प्लान है कि हमारा हॉस्पिटल में आज ज़्यादा स्टे हुआ है, मतलब मैं रुकती थी 2 दिन, वो 3 दिन रुकी है तबीयत की वजह से, तो अभी जो है ना वो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। कल हमारा 12 बजे सुबह में, दोपहर में 12 बजे हमारा जो है ना मतलब वो हमें छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पर। तो बहुत सारी और दूसरी चीज़ें करनी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जितने भी लेटेस्ट व्लॉग्स आएँ वो आपको फ़ौरन मिल जाएँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं आपके साथ सारी की सारी चीज़ें शेयर करूं। और अभी कॉल आई थी मेरे पास काशिफ की, मैं उन्हें छोड़कर आई हुई हूँ यार, मतलब काशिफ को मैं इसलिए, हाँ जी, सो अभी कॉल आई थी तो ना मैं काशिफ को छोड़कर आई हुई हूँ घर पे, और घर पे कह रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि बेबी वो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, मेरे दोनों बच्चे एनी और सलना मेरी बहनों के साथ मिलके हमेशा काशिफ ही देखते थे, अभी भी वो मेरे जो है ना वो बच्चे का बड़ा अच्छे से ध्यान, लेकिन एक उससे ना बिल्कुल मेरे पास ही रहा है ना 2-3 दिन से, तो एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि अभी जो है ना वो उसकी याद आ रही है, एकदम ना उसकी खुशबू, उसकी फील याद आ रही है कि वो ठीक है। मैंने बोला मुझे बताओ यार, बोले नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है। मैंने अभी अपनी बहन को बोला, मैंने कहा नहीं यार ये क्या हो गया, मतलब मैं फर्स्ट टाइम खाला बनी हूँ, बहुत डिफरेंट फीलिंग है अपने बच्चे से, अपने जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनसे शायद थोड़ा ज़्यादा उसकी अटैचमेंट हो रही है अभी, और बड़ी
खूबसूरत फीलिंग है यार. थैंक यू सो मच एनी, तुमने मुझे काला बनाया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से. एंड बस अभी अपने बच्चे से मिलूंगी जाके और उसको फिर से अपने पास रखूंगी, उसको अपने पास ही रखूंगी. मतलब मेरा बड़ा दिल है उसकी खिदमत की जाए, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे दोनों टाइम पे, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे बड़ी खिदमत की है. एंड स्पेशली मेरी मम्मी, स्पेशली मम्मी अगर नहीं हो ना लाइफ में फिर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी. अम्मी के पास मेरे 3 दिन से बच्चे हैं, वो बच्चे संभाल रही हैं. मैंने 3 दिन से बच्चों को, बस 1 दिन हॉस्पिटल आए थे तभी देखा था, अभी जाके घर पे अपने बच्चों से मिलूंगी. तो ये भी एक ना बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ के पास बच्चे सेफ हैं. तो बस बच्चों से. अच्छा अभी आप वो सोचोगे यार ये तो छोड़ छोड़ के जाती रहती है, अभी आप मुल्क में नहीं हो ना वो बात अलग है, अभी आप बिल्कुल करीब हो और नहीं मिल पा रहे हो ना बच्चों से. और वो जो छोटा वाला मेरा बेटा है ना उसकी थोड़ी ज़्यादा याद आती है, बड़े वाले की तो खैर आती आती है, उसकी जगह तो नहीं कोई मेरी ज़िंदगी में जो है ना वो ले सकता, लेकिन वो छोटा वाला जो मेरा बेटा है ना उसकी बड़ी याद आ रही है. लेकिन अब ये दोनों हट गए हैं, अभी हमारा नया बेबी आ गया है जो और दिल के करीब हो गया है. तो बस चलते हैं, बहुत लंबी कर दी मैंने, चाय बनाई है सर एकदम. अभी मैं बिल्कुल ऐसे अच्छी हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चाय वाय पियेंगे. अम्मी के घर जाते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं, सारे सूटकेसेस पैक करते हैं, फिर हम लोग जो है ना उसको गाड़ी में रखवा देंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारना है. आज आपको सारा दिखाऊंगी, आज मैं फ्रेश हूँ. अभी आप लोग सोचोगे ना मैंने आपको दिखाया नहीं ये हॉस्पिटल का, आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ. तो अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन है. अब हम अपना अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, कल वेलकम ब्लॉग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी. केक मैं सोच रही हूँ ऑर्डर कर दूँ वेलकम के लिए. सो बहुत सारी चीज़ें करनी है. सो दुआ है बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से सारी चीज़ों, आप लोग भी दुआओं में बस याद रखिएगा. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ से शुरू करते हैं आज हम अपना मज़ेदार सा ब्लॉग. आया था हॉस्पिटल से कबाब जी, इसका सारा सामा वो भी नहीं खाया. गाइस हमें हमारा प्यार ऐसा बेटा मिल गया है, नहाने वाला. हाँ ये खोल दीजिएगा, ये बॉक्स पैक नहीं था, ये नहीं पता. नहीं खाना खा रहा है, ये क्या है तरीका, आप बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हो. दूध से दूध, दूध से दूध नहीं देना फिर आप. दूध आते ही शिकायत कर रहे हैं मुझसे कि नन्ना ने दूध नहीं दिया है जी. अभी डब्बा खत्म हो गया गाइस, ये जो है ना वो शॉपिंग की है जल्दी 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 करके काफी सारी, और बहुत सारी चीज़ें जो तक मैंने वहाँ पर जाना वो आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी फिलहाल जो है ना सारा सामान जल्दी जल्दी से पैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं. ये जो है ना बच्चे की वो नहाने वाला जो होता है वो है जी जी. अच्छा, बोले बोले पापा और चीजें मैं लेके आऊं जी. ठीक है ले आए, बस जितनी भी चीजें ना यहाँ ला के रख दें. तो अभी हम लोग जो है ना सारा सामान सेट कर रहे हैं. ये जो है ना बच्चा जिसमें रखते हैं वो सारी चीजें हो गई. ये जो है ना काफी सारी चीजें माशाल्लाह से, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, बाकी अंदर 4 बॉक्स है. ये सारा का सारा जो है ना वो सामान है जितनी शॉपिंग हमने. मेरा बेटा कहाँ हुआ निकली ना मिठाई लेने के लिए हलवा पूरी, मैं पहली बार निकली हूँ बहुत टाइम बाद गर्मी में. मैंने बोला यार गर्मी तो बहुत है यार, मैंने सोचा था आप लोगों को मैं ना सारा का सारा सामान दिखाऊंगी एकदम बिल्कुल सेट करके एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अब वो तो जो है ना वो पॉसिबल नहीं है. तो फिलहाल जो है ना वो हम ऐसे ही सारी चीज़ें रखेंगे और फिर सेट करेंगे, कोई मसला नहीं है. तो फिर सेट करेंगे तो फिर आपको जो है ना सारी चीज़ें दिखाएंगे. एंड बस ये जो है ना जितनी भी हम कर सकते थे ना एक दिन के अंदर हमने इतनी शॉपिंग जो है ना वो माशाल्लाह से बच्चे की कर ली है. बाकी जो है ना वो अल्लाह मालिक है, और चीज़ें होती रहेंगी. ये सारे के सारे कपड़े चीज़ें तो खैर ये सारी की सारी हैं, वहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन अभी बिल्कुल मेस क्रिएट हुआ हुआ है क्योंकि सब कुछ जल्दी इमरजेंसी में हो रहा है, तो बस वो वाला सीन है. जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग कर ली है, इसके अंदर सारा का सारा उसका जो है ना वैसा वाला सामान आ गया है, जितनी भी एसेसरीज एसेंशियल्स हैं. इसके अंदर कुछ ट्रॉलीज वगैरह हैं, इसके अंदर जो है ना वो है, देखूंगी आप लोग वहाँ पहुँच के. मैं फिर सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी, आप लोग साथ साथ रहना. इसके अंदर जो है वो शूज़ वगैरह हैं, चीज़ें हैं, कपड़े हैं और सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा जो है ना ये वाले अलग ही जो है ना वो बने हुए हैं. तो माशाल्लाह से ये सारा सामान हो गया, ये सारा सामान हो गया और ये सारा सामान हो गया. तो ये सब अभी जो है ना जाएगा हमारी बहन के घर पे हमारी तरफ से, जो कि बच्चे का सामान है इंशाल्लाह.
सो भाई गाड़ी में हमने सामान रख दिया है, तो गाड़ी में सामान नहीं आ रहा है। पीछे से एक और गाड़ी मंगवाई है हमने, उसके अंदर बाकी सामान आएगा। पीछे डिग्गी में रख दिया हमने, एक दो तीन बॉक्स आ गए, दो सूटकेस आ गए। बाकी दूसरी गाड़ी आ रही है काशिफ की, और आधा सामान माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने जो है ना वो उसमें रखा है। अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पूरी रात गुजारनी है। सुबह वहाँ से हम लोग जो है वो निकलेंगे, सुबह हमारा डिस्चार्ज होगा एंड देन उसके बाद फिर बाकी का सारा सीन होगा। ठीक है, पहुँच चुके हैं दोबारा से हॉस्पिटल, आज रात यहीं रहेंगे। बहुत सारा काम करा है, सब डिटेल में आपको अंदर बताती हूँ। कैसे हैं आप? हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, हमने खाना खाया, काफी सारे लोग आए हुए थे, उनको हमने भाई अटेंड किया, उनसे मिले, बेबी से मिलवाया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आज थोड़ा ये था कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोग आ रहे थे, तो बिल्कुल भी जो है ना वो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला सबको, यू नो एंटरटेन करना एंड सब। आपको तो पता है अपनी बहन का, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अब जाके सब लोग जो है ना वो चले गए, और मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त बज रहे हैं 4:10, और अब जो है ना वो आपकी बहन हो गई है बिल्कुल फ्री। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है ना वो व्लॉग बना लिया जाए, और कल जो है ना कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और कल हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा 12:00, तो फिर एक और जर्नी शुरू हो जाएगी। और अभी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सब लोग के साथ। मतलब जैसे जैसे लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, यू नो थोड़ा एंटरटेनिंग होता है, खाया पिया ये वो। सो बच्चे मुझे बहुत मिस कर रहे हैं घर पे, पहली बार ऐसा है कि मिस कर रहे हैं, वरना मेरे बच्चे मिस नहीं करते। लेकिन कल सब होंगे तो और मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, लेटते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। स्टे कनेक्टेड, पूरा ब्लॉग देखिएगा एंड तक, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आपको सुबह का बताऊंगी कैसे हम लोग जो है ना वो जाएंगे, क्या होगा, और फिर यू नो बहुत सारी और चीज़ें हैं। ठीक है जी, स्टे कनेक्ट। सो भाई ब्लैक टी लेने के लिए आई थी, इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, और सुबह हो गई है तकरीबन 5:00 रहे हैं। नींद नहीं आ रही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नींद तो करके आई थी मैं, और हॉस्पिटल में नींद नहीं आती, ना खाया जाता है। बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ एंड कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। घर पे जाएंगे, बेबी हमारे हाथ में होगा, मज़ा आएगा। बेबी की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली हैं मैंने, फेस अभी आपको पता है नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं और सन्ना आपको पता है हम लोग ज़रा पब्लिक वाले बन रहे हैं, एनी ज़रा थोड़ा प्राइवेट है। फिर भी मैंने जितना हो सका है मैंने ब्लॉग बनाया है, तो वो भी मैं ज़्यादातर है कि अपना ही बनाती हूँ, कि जितना होता है उनको नहीं मैं लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पसंद। तो बस वो वाला सीन है एंड लेट्स गो, चलो रूम में चलते हैं, मज़ा आ रहा है, हाय अपना वक्त याद आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली 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 सूरज निकल चुका है एंड बहुत बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी हो रही होगी। ओके, ओ माय गॉड, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, बिल्कुल भी हवा शवा नहीं चल रही है। सो इसको को कर देते हैं क्लोज, ठीक है जी। एंड अभी इस वक्त जो है ना वो बज रहे हैं 8:15, और हम लोग जो है वो हमने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी कर ली है, अपनी चीज़ें निकाल ली हैं, काफ़ी सारा हमने सेटअप अपना लगा दिया है, और मज़ेदार हो गया है। और सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिल से, जिन लोगों ने जो है वो इतना प्यार दिया और इतना ज़्यादा जो है ना वो मेरे वीडियो को लाइक किया, इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दी, इतनी ज़्यादा दुआएँ दी, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बेबी जो है ना वो हमारा अभी इस वक्त सो रहा है एंड प्लीज़ मैथ्स को ज़रा थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ देखते हैं अच्छी लाइट आ रही होगी आई गेस, थोड़ा देखते हैं कि लाइट कैसी है। सो आज हमारा आखिरी दिन है, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमेशा हमेशा जहाँ जो हमारा हॉस्पिटल है उसको जो है ना वो बड़ा, मतलब मुझे यहाँ बड़ा प्यार मिलता है। मेरे दोनों बच्चे यहीं हुए हैं माशाल्लाह खैर से, सिस्टर के भी यहीं हुए हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत प्यार देते हैं, बहुत लोग मिलते हैं यहाँ, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस, स्टाफ, हर बंदा वीडियोज़ की वजह से ऐसे जानता है तो फेवर मिल जाता है, ज़रा मोहब्बत ज़्यादा मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच,
आप सब लोगों का शुक्रिया। अभी ये सीन है, बेबी सो रहा है और अभी टाइम है 12 बजे हम लोग जो है वो छोड़ेंगे कमरा। छोटा मोटा हमें सरप्राइज़ कुछ प्लान करना है जो हम कर सकते हैं। असल में 12 बजे हम लोग को रूम छोड़ना है और हम लोग को जाना है, तो हमें कुछ, हम चाह रहे हैं कुछ डेकोर करें या कुछ और करें, तो उसके हिसाब से कुछ हम देखते हैं। क्योंकि हमारे इधर तो सोसाइटी में ना ज़्यादातर 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं, सुबह सुबह इतना कोई नहीं खुलता। तो कुछ डेकोरेशन करानी है, गाड़ी शाड़ी सजवानी है, तो लेट्स सी कि उसका क्या होता है। और बहुत ही प्यारा सा पैकेज बनवाया है एक बच्चे को उठाने वाला, और यू नो बच्चे के नए कपड़े, वो बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर आप लोग मंगवा सकते हो अगर आपको पसंद आए। तो ये सारा सीन है, खैर, और बहुत मज़ा आया। हाँ जी, सो बहुत मज़ा आया यार, और एक यू नो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है ना वो अपनी बहन के साथ रही। एंड बाकी सब लोग, जितने भी लोग हैं और मुझे देख रहे हैं, जो लोग आए, जो लोगों ने फिशेस दी, उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार वाला। एंड जितना भी हो सकता था मैंने कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली मम्मा, आई लव यू सो मच। आपने इतना दिन मेरे बच्चे रखे तो मैं यहाँ पर कर पाई। मेरी मम्मा मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मम्मा का भी दिल चाहता होगा हॉस्पिटल आएँ, बच्चे से मिलें, मतलब अपनी बेटी से मिलें, लेकिन मम्मा नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी तरह से। एक बार तो आ गए थे बच्चे पर वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मम्मा मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। बट कोई मसला नहीं है, आगे हम लोग साथ हैं, मम्मा, मैं, बच्चे, हम सब इंशाल्लाह। तो ये वाला सीन है। एंड थैंक यू काशिफ, मतलब काशिफ का तो जो इतनी तारीफ़ें हुई हैं, कल मैं अपने बिहाफ पे काशिफ को यहाँ छोड़ गई थी तो काशिफ 12 घंटे यहीं पर ही थे। सब लोग, वैसे और लोग भी थे, लेकिन ये है कि काशिफ ज़रा जो है ना प्रो है हमारे बच्चा संभालने में, हर चीज़ में माशाल्लाह। तो वो भी इतने कोऑपरेटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे फ्रेंड्स और इतने अच्छे सारे लोग हैं कि सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, मुश्किल वक्त कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चला। और बस रिश्ते जो है ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको निभाना पड़ता है मिल बांट के, बस वो वाला सीन है। तो चलो यार, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी आज के ब्लॉग में, बने रहिएगा। एंड यस, मैंने सोचा आप लोगों के साथ सारी अपडेट शेयर कर लूँ। ये मेरा पाला शा बेबी, मेरा पाला शा शहजादा। ओले ओले ओले, हेलो माय बेबी बॉय, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खाला जो हमारे बच्चे की हैं तैयार हैं, एनी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा थोड़ा मेकअप भी करवा दिया है हमने, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको, माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत ड्रेस है। ये ड्रेस शायद असल ना जो है वो ये हम लोग वहाँ से लाए थे ना, मलेशिया वाला है, मलेशिया। तो खैर बहुत प्यारा लग रहा है, हमारा बेटा बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। और यस, सारा सामान शामान हमने पैक कर लिया है, रूम एक बार हमने रीचेक कर लिया है, हर चीज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लीन है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। अभी बस हम जो है ना थोड़ी देर में यहाँ से जो है वो चेकआउट कर जाएंगे। एंड यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो मैं सारी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी, आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरे दोनों ब्लॉग्स कैसे लगे। इन्फॉर्मेटिव अगर कुछ बात करना चाहूँ शॉर्ट, कभी भी आप प्रेगनेंट हो ना तो 7 मंथ्स से लेकर 9 मंथ्स का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेबी बैग बना हुआ होना चाहिए, आपका खुद का बैग, जो हॉस्पिटल की चीज़ें वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अर्जेंसी हुई, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हमने बेबी की शॉपिंग भी नहीं उतनी की थी बिकॉज कि हम चाह रहे थे कि जेंडर पता चल जाए देन शॉपिंग करेंगे। तो बस बाकी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ख्याल रखें, जो भी न्यूली मॉम्स हैं या जो मॉम टू बी हैं, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड यस, सो यहाँ से आज हमारा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, मैंने सोचा आप लोग को ज़रा अपडेट देते हैं। भाई मैं जो है ना
ना वो मेमोरीज कैप्चर करने में ना अब बहुत बहुत मास्टर हो गई हूँ. जल्दी से मैंने फ़ोटो शूट करवाया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा. खाला ने भी किया, मम्मा ने भी किया, बाबा ने भी किया, सब लोगों ने किया. एंड ऑल इज़ गुड, एब्सोल्युटली रेडी. वी आर जस्ट, हम लोग जो है ना वो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं. नीचे गाड़ी रेडी हो रही है एंड उस पर जो है ना वो बलून्स वलून्स ये वो डेकोरेट करने के लिए आए हुए हैं. तो जैसे ही जो है ना वो गाड़ी रेडी हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, माय बेबी इज हियर. कल के व्लॉग में बताऊंगी आपको बेबी का नेम, क्या बोलते हो आप, या आज ही बता दें आपको. सो हमारे प्यारे बेबी का नाम है हियर. बहुत ही प्यारा नेम है ना, बहुत ही प्यारा नेम है ये बेबी के. सो बेबी का जो नेम है ना वो बेबी के बाबा ने रखा है भाई, उनकी पसंद है. तो बहुत ही प्यारा नेम है. और यस, मैं फ्रेश लग रही होंगी आज आपको, क्योंकि घर जाने की खुशी अलग है. थोड़ा थोड़ा सा मैंने मेकअप किया है बस, मेरे पास जो था, ठीक है. और एनी को भी मैंने अच्छा सा तैयार करवा दिया है. एंड आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, मतलब एक अलग ही माशाल्लाह खुशी है. हमारी फैमिली जो है वो और माशाल्लाह से बढ़ गई है. अब हमारी फैमिली में एक और बंदे का इजाफा हो गया है माशाल्लाह से. अब जो है ना वो हमारे दो भाई थे, दो भाई कह रही हूँ, हमारे दो बेटे थे, अब माशाल्लाह तीसरा बेटा आ गया. अल्लाह पाक नजर बद से बचाए. माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है ना वो औलाद की खुशी देखना नसीब अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब लोगों के लिए बेहतर करे. और दैट्स इट. जब भी आप लोग व्लॉग देखो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना प्लीज़ गाइस, ठीक है जी. थैंक यू. सो भाई हम लोग जो है वो निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर गोइंग. हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का और बस हमारी गाड़ी आ रही है. एंड गाड़ी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं घर पे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं एंड अब जो है हम लोग जो है रास्ते में हैं और बस अब जाएंगे और घर जाएंगे. तो ये सारा कुछ है, बहुत ही अच्छा सा वेलकम हुआ है, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह से. सो यस लेट्स गो. वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. सब लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए. सो अब हम लोग जा रहे हैं बेबी के साथ घर. और बहुत 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 अच्छा वक्त गुजरा. इमरजेंसी हुई, बहुत सारी परेशानियां हुई और बेशक परेशानियों के बाद जो है वो अच्छा वक्त भी आता है. सिर्फ आपने सब्र करना है और शुक्र करना है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज मतलब एब्सोल्युटली फाइन नाउ. सो रखिएगा अपना बहुत ख्याल. मिलेंगे नए व्लॉग में. एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपने प्रॉपर नहीं दिखाया, शी इज़ नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया. आपको पता है मैंने बताया उसको ये सब चीज़ें इतनी नहीं पसंद. फिर भी मैंने कोशिश की कि बहुत सारा कुछ कवर किया. आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड मेरी इस एफर्ट को आप लोग जो है ना वो सराहोगे, ठीक है जी, सब्सक्राइब करके. खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रख.